नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। यहाँ पे सारे स्कीम है, म्यूचुअल फंड के जितने भी स्कीम हैं वो सारे स्कीम हैं, जो भी इक्विटी स्कीम है। यहाँ पे देखते हैं पिछले 1 साल, पिछले 2 साल, पिछले 3 साल, पिछले 4 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल में क्या क्या रिटर्न मिला है। तो यहाँ पे देखते हैं कि एवरेज हम 15 साल का रिटर्न देखते हैं या 10 साल से शुरू करते हैं। 13%, 17%, 15%, क्या मतलब है इसका? एवरेज मतलब पिछले 10 साल में एवरेज रिटर्न 15% का मतलब है किसी साल 15 दिया होगा, किसी साल -10 दिया होगा, किसी साल 20 दिया होगा। सारे 10 साल के रिटर्न को जोड़ दीजिए और 10 से भाग दे दीजिए, लगभग 15% आ जाएगा। कंपाउंडिंग सिंपल, ये सब का खेल छोड़ दीजिए, समझाने की दृष्टिकोण से बोल रहा हूँ। सबको जोड़ के 10 से भाग देंगे, 15% आएगा। इस तरह से जर्नी चलता गया चलता गया, और इस तरह से आप देखेंगे। मैं ये देखना चाहता हूँ कि पिछले 10 साल में एवरेज रिटर्न क्या है। एवरेज रिटर्न के रूप में चेक करेंगे, यहाँ पे सारे स्कीम है, इक्विटी के जितने भी स्कीम है वो सारे स्कीम है। एवरेज रिटर्न यहाँ 16.94 आया है। ठीक उसी तरह दूसरे कॉलम में देखते हैं 15.86 का एवरेज रिटर्न हुआ है। 13% किसी ने दिया, किसी ने 14 दिया। एनए एनए का क्या मतलब है? ये जो फंड है ये पिछले 13 साल से 12 साल से शुरू ही नहीं हुआ था, तो वहां पे एनए एनए है। जहां पे भी एनए एनए है, इसका मतलब ये नहीं कि ये कंपनी डूब गया, दिवालिया हो गया, भाग गया, पैसा लेके भाग गया, ऐसा नहीं है। वो कंपनी नहीं शुरू हुआ था, वहां तक नहीं हुआ है। 1 साल, 2 साल, 3 साल हुआ है, 10 साल, 12 साल, 15 साल नहीं हुआ है। तो यहाँ पे एवरेज रिटर्न देखते हैं 15.86, ये कौन से साल का है? तो ये साल देख लेते हैं। यहाँ पे पिछले 15 साल का देखते हैं तो 13% रिटर्न मिला, 15% मिला, 14% मिला। एनए एनए मतलब उस समय तक शुरू ही नहीं हुआ था, जो फंड है वो 15 साल उसका पूरा ही नहीं हुआ है। 13.82 रिटर्न मिला है, 20% भी किसी ने दिया, किसी ने 17 दिया, किसी ने 14 दिया, किसी ने 11 भी दिया, 12 भी दिया। तो एवरेज यहाँ पे चेक करते हैं कि सारे फंड मिला के उसका एवरेज क्या रहा होगा। मान लो किसी को 10,000 लगाना है और सारे फंड में थोड़े थोड़े करके लगा दिए, तो एवरेज पिछले 15 साल में क्या मिला होगा? 14.82 मिला है। जबकि 20 साल में रिटर्न चेक करेंगे 17.02 मिला है। ये आज तक का इतिहास है। आज से 15 साल पहले क्या रिटर्न मिला उसका एवरेज? सारे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, एक भी छोड़ा नहीं, सब में लगाया, खराब अच्छा सब में लगाया। तो पिछले 15 साल में 14.82 का रिटर्न मिला, जबकि 20 साल में 17.02 का रिटर्न मिला। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं कि 17% 15% के रेट से क्या पैसा बन सकता है। यहां पे देख रहे हैं 17.02, 14.82, 15.86। तो मैं यहां पे मानता हूं 14, 15, 16, 17 करके देखते हैं कि पिछले 20 साल में जो हुआ है। यहां star SIP.in के कैलकुलेटर में गए, SIP को टच किया और यहां पे लिखते हैं 15,000 रुपये पर मंथ पहले से लिखा हुआ है, 15 साल लिखा हुआ है, और यहाँ पे 15% के रेट से, चलो 14% जो दिखा रहा था वहाँ पे एवरेज, 14% के रेट से 27 लाख जमा हुआ है। वैल्यू बनता है 91,92,000 रुपया। 15% के रेट से क्या हुआ जो पिछले 15 साल में रिटर्न दिया? 1,01,00,000 बनता है। 16% के रेट से क्या हो सकता है? 1,12,00,000 रुपया बनता है। 17% के रेट से क्या हो सकता है? 1,24,00,000 बन सकता है। जबकि 17% जो रिटर्न देखे थे वो 20 साल में देखे थे, कि 17% का जो रिटर्न देखे थे वो पिछले 20 साल का देखे थे। तो यहाँ पे 20 साल लिखते हैं, तो जमा करते हैं 15,000 के दर से आने वाले 20 साल में, जो पिछले 20 साल में रिटर्न दिया वही मानू एवरेज रिटर्न, उतना ही मानू 17% मानू, 36 लाख रुपया जमा करते हैं और वैल्यू होता है 3,03,00,000 रुपया। क्या ये गारंटी है? बिल्कुल गारंटी नहीं है। राजू नाम का लड़का ये कभी नहीं कहता है कि म्यूचुअल फंड में आपको 2% भी गारंटी मिलेगा। 12, 13, 14, 15 तो छोड़ दीजिए, 4 परमाणु बम गिर जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा हाथ में, सब बिल्डिंग जमीन प्लॉट फ्लैट सब खत्म हो जाएगा, म्यूचुअल फंड भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ये धरती ये कायनात ऐसे ही चलता रहा जैसे चलता आया है, वैसे ही चलता रहा तो आपको इस तरह का रिटर्न दिख सकता है। सारे लोग जिंदा रहेंगे, कोई लोग मरेंगे नहीं। अब सारे लोग अगर मरने लगेंगे तो म्यूचुअल फंड में पैसा बना के भी क्या करेंगे? तो इस तरह से देखा जाए पिछले 20 साल में जो हुआ वही मानो कि आगे भी हो, ये धरती ऐसे ही चलता रहे, ऐसे ही घूमता रहे, तो इस तरह से 36 लाख जमा करेंगे 3,03,00,000 बन सकता है। अच्छा चलो ना इतना बने, मैं 12 ही जोड़ता हूँ, फ्यूचर में 12 ही रिटर्न मिले, 36 लाख जमा होगा, 1,49,00,000 बनता है। जिसके हाथ में 1,50,00,000 आ जाएगा ना, वो भी फाइनेंशियल फ्रीडम को पा लेंगे। 10 जमीन 10 प्लॉट हो जाए आपको, आपको वो फाइनेंशियल फ्रीडम का कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता है। यदि किसी के पास 1,50,00,000, 1.5 करोड़, 2 करोड़ रुपया है तो ही ये पैसा आपको फाइनेंशियल फ्रीडम का कॉन्फिडेंस दे सकता है। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है तो मेरे कुछ और वीडियो को देखिए। आपको ऑनलाइन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो लिंक में जाके आप म्यूचुअल फंड का अकाउंट ओपन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।